हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। एज़ यू नो, FCI ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन एडवर्टाइज़ किया है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, 4103, जिसमें डिफरेंट पोस्ट्स हैं। तो ये एक सुनहरा मौका हो सकता है आपके लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो इस एडवर्टाइज की सारी डिटेल्स आप ssc.com पे चेक कर सकते हैं। ssc.com ओपन करेंगे आप, वहाँ पे आप चेक मिलेगा FCI रिक्रूटमेंट 2019। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, 28 फेब, 30 मार्च तक आप इन डेट्स के बीच में इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसका अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुका है 28 फेब को। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि आप इस नोटिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ssc.com खोलेंगे। तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज पे आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप नए स्टूडेंट हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स। तो आज हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, कंटिन्यू। एक फॉर्म खुलेगा आपके पास, इसमें आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी एंड दिस सिक्योरिटी कोड। तो इसमें डिटेल्स एंटर कर देते हैं हम अपनी, योगेश नाम, लास्ट नेम, जो भी आपका लास्ट नेम हो वो इस बॉक्स में फिल कर दें, एंड योर देन योर मोबाइल नंबर। आपने अपनी सारी डिटेल्स डाल दी यहाँ पे, मोबाइल नंबर एंड देन योर ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो वो इस बॉक्स में एंटर कर दें। डोमेन नेम सिलेक्ट कर लेंगे हम, तो ये बेसिक डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज जब आपका खुलेगा, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और आपका पासवर्ड आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लें, ये आगे आपकी हेल्प करेगा। तो इस फॉर्म पे आप अपनी फोटो चूज करेंगे, जहाँ पे भी आपने सेव कर रखी है उसको ब्राउज कर लेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। देन नेक्स्ट, देन अगेन आपके पास एक फॉर्म खुलेगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस भी जोन के लिए आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर लें। पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको, जिस पोस्ट में आप एलिजिबल हो वही चूज़ करें। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप SSC अड्डा पे चेक कर सकते हैं, आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, योर कैटेगरी। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसमें येस और नो भर दें।
देन स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देने चाहते हैं वो चूज़ कर लें। देन एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर एड्रेस, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और करस्पॉन्ड परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लें। सारी डिटेल्स भरने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर कोई एरर होगी तो आपको ऐसा साइन आ जाएगा वहां पे, तो चेक कर लें एक बार। देन सेव एंड नेक्स्ट। देन अगेन एक फॉर्म खुलेगा सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद। इसमें आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज़ कर लें। अगर आपने डिग्री की हुई है तो डिग्री जो भी आपने करी है साइंस में करी है तो साइंस चूज़ कर लें, बीटेक करी है तो अदर चूज़ कर लें, और अदर में यहाँ पे बीटेक फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। उसमें डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है जो आपकी डिग्री है, और नंबर परसेंटेज कितने आए हैं आपके, तो जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से ये सब फॉर्म्स फिल कर लें। आर यू वर्किंग, अगर आप वर्किंग है तो यस, और डिटेल्स एंटर कर दें इसमें, अगर नहीं है तो नो। देन लैंग्वेज डू यू नो, इसमें फिल कर दें जो भी आपको लैंग्वेज आती है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। सब डिटेल्स डालने के बाद आपका फॉर्म खुलेगा ये अलग से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने सब सही डाला है कि नहीं। फोटो अगर सही है कि नहीं, आई आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो। आई एग्री, देन आई कंफर्म दिस इज माय सिग्नेचर। तो ये जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आप इसको ऐसा का ऐसा एक पेज पे लिखना है, आपको अपने हैंड रिटन में, हैंड राइटिंग में अपनी लिखना है इस डिक्लेरेशन को, और उसको स्कैन करके अपने पास रखना है। उसके बाद हम यहाँ फाइनल सबमिट करेंगे, हमें कोई चेंज नहीं करना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चूज़ करें अपना, स्कैन करके ये सब आप चीज़ें पहले ही रख लें। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो वो इससे पहले जो पेज खुला था उसमें नीचे डिक्लेरेशन था, उस डिक्लेरेशन को एक A4 साइज शीट पे अपने हैंड राइटिंग में लिखें, और उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा उसे। तो उसको लिख के अपलोड करें यहाँ पे। और ये सिक्योरिटी कोड डालें WJ। देन सेव एंड नेक्स्ट। सब कुछ अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करें। और अब ये लास्ट फेज है जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। तो इस
सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करें। तो ये ऐसा पेज खुलेगा जिस जैसे भी आपको पेमेंट करनी है आप वैसे कर सकते हैं, एटीएम से कर सकते हैं, तो अपना नंबर वगैरह यहाँ पे डाल दें। तो ये पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो पहले सेकंड पेज पे खुला था वो नोट डाउन करके रखें, उसकी हेल्प से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसे इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।